चावल है, चावल तो कम है लेकिन मटर में इसमें बहुत ज्यादा डाला हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने भी पुलाव से अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे मैं हूँ जुवेद अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी गुफ्तगू। तो आज मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और आज एक ऐसी शॉप पे लेके आया हूँ जिसका अभी इफ्तिताह हुआ है, लाला जान बनू बी पुलाव के नाम से बहुत मशहूर दुकान है और उसका अभी इफ्तिताह हुआ है। तो ये बिल्कुल रावलपिंडी के ऊपर मरी रोड के ऊपर आते हैं, कमेटी चौक के बिल्कुल पास ही ये शॉप है और इसका अभी इफ्तिताह हुआ है। इसके अंदर सारे बनू पुलाव भी मिलता है, बारबेक्यू भी मिलता है और बहुत से वैरायटी के यहाँ पे डिशेज मौजूद है। तो अंदर चलते हैं, आपको डिशेज भी दिखाते हैं। किस तरह बना रहे हैं वो भी दिखाते हैं और अंदर ऑडियंस बहुत सारी बैठी है जो इसको फूड को खा रही है, टेस्ट कर रही है, उनसे भी पूछते हैं। तो रेट में क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, वो कितने टाइम तक चलनी है, आगे रमज़ान आने वाला है और सब आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो अभी लाला जान बनू बी पुलाव को जो ऑन कर रहे हैं अली भाई हैं और शायद अली चौहान साहब हैं, तो इनसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपने लाला जान के नाम से एक ब्रांड लेके आए हैं बनू बी पुलाव का, कि यहाँ पे पिंडी के अंदर लेके आने का क्या मकसद था इस एरिए में? जी, हमारा सबसे पहले मकसद तो ये था कि हम एक ब्रांड जो बनू बी पुलाव है वो यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कर सके और ऐसे रेट में, इसकी जो महंगाई चल रही है आजकल, उस रेट में लोग एक इकोनॉमी रेट में लोग एक अच्छी क्वालिटी का फूड खा सके। जैसे कि बनू बी पुलाव है, ये हम इंशाल्लाह चैलेंज करते हैं कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद में इस रेट में जो हम दे रहे कोई भी इस रेट पे नहीं दे रहा, और ये वही क्वालिटी है जो हम जिस नाम से ये मशहूर है बनू बीफ पुलाव। बनू बीफ पुलाव के ही हमारे कुक हैं, वहीं से हमारे कुक आए हैं। इसमें हम खालिस जो बीफ डालते हैं वो बेड़ा जिसे कहते हैं यहाँ के लोग, वो हम डालते हैं, हम जिंदा लाते हैं जानवर, जिंदा ला के हम अपने ही जगह पर इसको ज़िबा करते हैं और उसमें खालिस गोश्त हम डालते हैं और उसी गोश्त के बेस पे ही इसका टेस्ट आता है। और इंशाल्लाह ये है कि कोई भी अगर एक बार इसको टेस्ट करने आएगा तो इंशाल्लाह वो दूसरी बार ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये जी अली भाई हैं जो ऑन कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं शहद अली चौहान साहब खड़े हैं। शहद अली चौहान साहब, ये बताएं कि जो आपके रेट लिस्ट पे लगे हुए हैं, क्या ये रेट सिर्फ एक मंथ के लिए हैं या लॉन्ग टर्म चलेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारे रेट जो है ये लॉन्ग टर्म चलेंगे। मकसद हमारा कि हम कम प्रॉफिट लेते हैं और अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारा मकसद जो है ना, लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना है। और जो इसका असल जो बनाने वाले हमारे बनू के ख़ास लोग हैं, क्योंकि हमारे कुछ बंदे जो हमारे मेरे दामाद हैं उनका ताल्लुक बनू से है, इस वाले से उन्होंने जो वहाँ से कुक बुलाए हैं, वो जो वहाँ के टॉप के कुक थे वो हमने बुलाए हैं। बाकी सारा कुछ जो है ना हमारा अच्छी क्वालिटी में हम यूज़ कर रहे हैं। कोई भी बंदा है हम चैलेंज करते हैं, आगे हमारा किचन भी देख लें, हमारे वेयर हाउस भी देख लें, तो आपको वहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी। आपको कभी किसी किस्म की किसी को भी कंप्लेंट नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी शहद अली चौहान साहब ये कह रहे हैं जी आपको जो बन्नू का ओरिजिनल टेस्ट है वही आपको मिलेगा और जो जो चीज़ें बनाने वाले कुक हैं वो भी स्पेशल वहाँ से मंगवाए गए हैं। और रमज़ान का क्या है, यहाँ सहरी इफ्तारी का कोई होगा बंदोबस्त? रमज़ान में ऐसा जब भी हमारा प्लान यही है कि हम जो है सहरी तो नहीं, इंशाल्लाह इफ्तारी मिले जो है ना, हम तकरीबन मगरिब से दो घंटा पहले हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि जो दूर जाने वाले लोग हैं वो पार्सल लेके जाते हैं अक्सर। बाकी यहाँ इंशाल्लाह हमारा होटल ओपन रहेगा इफ्तारी में, लोग आएँ इंशाल्लाह हमको उसको अच्छी सर्विस देंगे और जो भी यहाँ आया खुश होके गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत आला है, हमारा चैलेंज है। तो जी आपने जो है चावल तो कम है लेकिन मटर में इसमें बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, आए खाएँ इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो हाफिज़ साहब जो है ना बनू बी पुलाव खा रहे हैं और इसके अंदर जो है ना मटन तो बहुत ज़्यादा और चावल बहुत कम नज़र आपको आएंगे, तो आप क्या कहते हैं? ज़बरदस्त। तो जहाँ पे लोग बहुत सारे बैठे हैं, फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका सबका कहना यही है कि मटन बहुत ज़्यादा आजकल, इतनी महंगाई के अंदर कौन मटन आपको खिलाता है जी? हम स्पेशल गोरी टाउन से खाने के लिए यहाँ आए हैं रावलपिंडी में, और बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
तो आप देखेंगे जी यहाँ पे जी लोग कह रहे हैं, तो मेरे बिल्कुल सामने तो यहाँ पर जी अंकल जी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं जी। तो अंकल जी किस चीज़ का ऑर्डर दिया था? बन्नू पुलाव। तो अभी आपने बन्नू पुलाव टेस्ट किया, कैसा लगा है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है, और मैं खुद बन्नू में रह चुका हूँ, 4 साल बन्नू में गुजारे हैं। वहाँ पे एक खास जगह है जिसको लकी गेट कहते हैं, तो वहाँ पे भी ये भी पुलाव उसी टेस्ट पे मिलता है, और यहाँ भी इनका यही टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो माशाल्लाह अच्छा मेंटेनेंस इन्होंने की हुई है, यानी कि जो उधर मिलता है और सेम वही फूड सब वही टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको रावलपिंडी के अंदर बन्नू का सेम टेस्ट मिल सकता है तो आप तो लकी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी माशाल्लाह अच्छा मेंटेन किया इन्होंने, बहुत शुक्रिया। तो लाला जान बन्नू भी पुलाव के ऊपर फैमिली का प्रॉपर उन्होंने जो है एडजस्टमेंट की है, फैमिली का ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ सारी फैमिलीज बैठ के खाना टेस्ट करती है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेकंड फ्लोर के ऊपर बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो भी आप देख लें। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, फैमिलीज खाना खा रही हैं, तो इनसे भी आपको व्यूज़ लेके बताएंगे फैमिलीज क्या कहती है। मिल रहा तो अस्सलाम वालेकुम। किस चीज़ का आपने ऑर्डर दिया था? बन्नू पुलाव का ऑर्डर दिया था, और बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, आ चुके और हम खाने लगे हैं। नहीं, आप जो इनका जो रेट है और जो बाहर के रेट मार्केट में चल रहे हैं, फ़र्क तो होगा? जी जी बिल्कुल, इनका थोड़ा सा सस्ता है। फ्लोर के ऊपर बहुत सारे फैमिलीज और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने भी जो जो यहाँ पे फूड को टेस्ट किया आपको बताएंगे कि उन्होंने किस चीज़ का ऑर्डर दिया था और खाने के बाद उनको कैसा लगा। तो जी आप बताएं किस चीज़ का आपने ऑर्डर दिया था और खाया अभी तक? मैंने वाइट फ्राई और बन्नू पीस पुलाव का दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार था, सारा को टेस्ट था बहुत ज़्यादा ओरिजिनल था और क्वालिटी भी ज़्यादा। इनका कहना ही है, बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो खाने का टेस्ट और क्वांटिटी में बहुत बेहतर था। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग बैठे थे, और सेकंड पे फैमिलीज बैठी थी, और थर्ड फ्लोर पे आते थे वहाँ भी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ बैठी हैं खाना खा रही हैं। तो इन्होंने किस चीज़ का ऑर्डर दिया और क्या टेस्ट किया, कैसा लगा इनको खाने के बाद? तो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? अभी चिकन कढ़ाई का, हांडी का और बीफ का। आपने सब चीज़ें टेस्ट की हैं, चिकन कढ़ाई और बीफ पुलाव, और आपको जो है कढ़ाई हांडी कैसे लगी? माशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, और मकदार भी बहुत अच्छी है, रेट भी बहुत मुनासिब है। तो आप देख लें इनके सामने जो प्लेट पड़ी बिल्कुल इन्होंने खाली की हुई है, तो लगता है यही है इनको टेस्ट वाकई बहुत अच्छा लगा है। क्या कहते हैं आप? सबको ये कहेंगे कि जी इधर आए टेस्ट करें, आपको जायका भी अच्छा लगेगा और रेट भी इनके मुनासिब। तो यहाँ पे जी बहुत सारी फैमिली बैठी है, बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं जी, क्या टेस्ट किया आप आज ने लाला जान बन्नू भी पुलाव से? बाकी लोगों का तो बहुत सारे लोगों का मैंने रिव्यू लिया होगा, उनसे पूछा होगा रिव्यू क्या है, टेस्ट कैसा है जी। एट द एंड मैंने कहा कि मैं खुद ही खा के चेक करके देख लेता हूँ कैसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैंने जो टेस्ट किया है, बारबेक्यू के अंदर चिकन टिक्का बोटी थी, और साथ चिकन कढ़ाई भी थी, और उसके साथ बन्नू भी पुलाव भी मुझे टेस्ट करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो अली भाई मेरे साथ ही बैठे हैं, अली भाई आपको पश्तो के अंदर बताएंगे अपने पख्तून लोगों को, तो भैया किसी और नहीं जाना जगह सिर्फ आए तो लाला जान पे आए, तो अली भाई बताएं अपनी पश्तो के अंदर। हाँ बस मैं पख्तूनों नो दगा मुंगा दे बनू बी पुलाव लाला जान बनामा बंदे ब्रांच थे पता कॉलेज रोड बंदे, और इंशाल्लाह दगा मुंग स्पेशल डिश थे इंशाल्लाह दगा जतासो कला दल तराशी तासो यो जले टेस्ट ओ भी इंशाल्लाह यो को बता खबर है दा शी बगर एंटी चे इंशाल्लाह दा रेड में बता सो ता यूजे के बनू बी पुलाव नो मिला वेगी ओबल इंशाल्लाह टेस्ट पता से चे इंशाल्लाह दा बम चे ने मिला टेस्ट बम चा ना मिला वेगी इंशाल्लाह। तो मुंग दा दे चे मुंग स्पेशल खुद नवार रा वाली दल खुद नवार भी ताऊ बहुत शुक्रिया जी। अली भाई ने आपको पश्तो के अंदर ही बता दिया होगा कि सारी जो वैरायटी और टेस्ट, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है
जो यहाँ पे चीज़ें है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। जैसे आप गेट के अंदर इंटर होते लाला जान बनू भाई पुलाव के अंदर, साथ ही आपको वैभ भाई मिलेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि वैभ भाई आपको डिस्काउंट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा अकाउंट्स का जितना भी है सारा वही मैनेज कर रहे हैं अली भाई और शहद अली खान साहब, तो बाकी हर चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन पैसों का लेन देन एट द एंड आपको इनके पास ही आना पड़ेगा। तो आपने बताना यार डिस्काउंट के बारे में कुछ बताएं कि जो आपने रेट दिए हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेंगे। बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो रेट है बहुत मुनासिब में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा नया सेटअप है और ये नहीं कि हम चार्ट में सिर्फ देंगे, इंशाल्लाह हम लॉन्ग टर्म चलाएंगे। क्योंकि इस महंगाई के बावजूद भी जो रेट मार्केट के हैं उसके हिसाब से हमारे बहुत हाफ है, मतलब बहुत मुनासिब रेट हम दे रहे हैं। जो मेरे सुनने वाले व्यूवर्स हैं अगर उनको मेरा कोई नाम बता के आते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा जी? इंशाल्लाह आपका नाम बताएंगे तो आपके नाम पर इंशाल्लाह 5% देंगे और बाकी भी हम जितना होगा हम। बहुत शुक्रिया जी व्यूवर्स, आपके लिए बहुत ही बड़ा जो है ना डिस्काउंट है यहाँ पे। आप आए यहाँ पे तो आप वैभ भाई को बताएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा।